हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस वीडियो एंड ब्लॉग्स में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है आरे वारे बीच। इसके पहले आप लोगों ने गणपति पुले के मेरे बहुत से व्लॉग्स देखे हैं, जयगढ़ फोर्ट, गणपति पुले बीच, कराटेश्वर टेम्पल। अब उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ आरे वारे बीच। तो आइए चलते हैं आरे वारे बीच। अच्छा, जो ये रास्ते में ही समुंदर दिखने लगता है ना, वो व्यू मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे बहुत से छोटी छोटी शॉप्स थी जहाँ पे रुक करके आप भुट्टे वगैरह खा सकते थे। और इस बीच का नज़ारा ही कुछ अलग है। आप देख सकते हो एक साइड में ढेर सारे पेड़ है और दूसरे साइड है समुंदर। ये बीच बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी लंबाई बहुत दूर तक है। और ये बीच सनसेट और सनराइज के लिए बहुत फेमस है। और आप देख सकते हैं इसके दूसरे साइड में पहाड़ दिख रहा है, एक साइड में पेड़ दिख रहा है और सामने समुंदर। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी गंदगी नजर आई है, लोगों ने पानी की बॉटल्स और कुछ खाने पीने के रैपर्स वगैरह छोड़ा है। ये सही नहीं है, बीच को तो साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हम लोग तो ध्यान देते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस साफ सफाई का। अगर आप लोग कुछ इंस्टाग्राम के वीडियोस या फिर कुछ अच्छी फोटोज निकालना चाहते हो अपने सिंगल, तो ये बीच उसके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ही शांत बीच है, बहुत खाली रहता है, जिससे हमारी फोटो और वीडियो बहुत अच्छी आती है। अब मेरे राइट साइड में जो आपने पहाड़ देखा है, उस पहाड़ के उस साइड में आरे बीच है। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं वो वारे बीच था। ये ब्रिज क्रॉस करके अगर हम आगे जाते हैं तो पहाड़ क्रॉस करने के बाद आता है आरे बीच। हम लोग गणपति पुले बीच के पास में एमटीडीसी रिजॉर्ट में रुके थे। वो बीच भी बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था। और लेकिन कैसा था कि वहाँ पे गणपति पुले की एक चौपाटी थी जहाँ पे थोड़ा बहुत क्राउड रहता था, तो लोग बहुत दिखते थे। उस हिसाब से ये बीच देखा जाए तो बहुत शांत है। तो सारे बीच का अपना ही अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग मजा है। तो अगर आप लोग गणपति पुले का प्लान करते हैं तो ये सब जगह पे घूम सकते हैं। और आप लोगों ने मेरे वीडियोज को इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लव यू गाइज़।